जामिया जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो शहजाद भाई? सब ठीक है, अपना बताओ क्या हाल चाल है? हमारी तो ठीक है, तुम अपनी बताओ। आज कल तुम बल्ले बल्ले दिख रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात तो नहीं है। साफ साफ बताओ, पहली मत बुझाओ। हाँ यार, बस थोड़ा सा टेंशन है, आगे परीक्षा आने वाली है और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से नकल करने को मिल जाए और मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आजकल तो नकल करने का जमाना है। लोग नकल करके अच्छे अच्छे काम आया, पुलिस विभाग में डाल 10 से 20 लाख पुलिस घोष देकर नौकरियां कर रहे हैं। हाँ मेरा सही कह रहा भाई, तुमने देखा नहीं 65,600 पुलिस भर्ती आई थी, जो पर उसे से अधिक नंबर थे उनकी भर्ती हो गई, जो पढ़ने वाले थे वो रह गए। छोड़ दो पढ़ाई का टेंशन, हम लोग भी कई पैसे से नौकरियां खरीद लेंगे और पास हो जाएंगे। खेलेंगे घूमेंगे करेंगे मजा, खेलेंगे कूदेंगे करेंगे मजा, कौन उठाएगा पढ़ाई का सजा। अरे अरे, तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोगों की बातों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर सफलता पानी है तो मेहनत करो और लगन करो। सफलता पानी है तो मेहनत करो और लगन करो। कक्षा में सियार की बोलनी बोलने वाला हमेशा सियार की तरह बढ़ता रहता है और छुरी के नोक के पर चलने वाला हमेशा छुरी के नोक पर चलता है। अगर सफलता पानी है तो मेहनत करो, लगन करो, अन्यथा तुम्हें समाज में लोग धुरका देंगे। क्यों नासिर भाई, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ साली भाई, आपने 100% सही कहा। चुप करो तुम दोनों, पैर पढ़ने की बात करते हो, आसमान के चांद के छूने की बात करते हो, जमीन में पैर रखने का ठिकाना ही नहीं है। दगा से मार कर बात करो, तुम लोग कब्जा करना हो करो, हम लोग तो पढ़ेंगे ना, तुम लोग घूमो अपना। पढ़ लिख कर क्या करोगे, पैसे से सब कुछ मिल जाता है, नौकरियां मिल जाती है, पैसे से अच्छे अंक मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, तो पढ़ लिख कर क्या करोगे, अधिक नंबर से पढ़ाई का क्या फिक्र। पैसे से नौकरी खरीद सकते हैं, अच्छे अंक ले सकते हैं, लेकिन उससे कभी कुछ सीख नहीं मिलती। सीख उसे ही मिलती है जो परिश्रम करते हैं। सरकार का टाइम हो गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। थैंक यू सर। हाँ तो बच्चों, चले अटेंडेंस बढ़ाते हैं। शहजाद और जाने सर। नवाब नहीं आया सर। क्यों नहीं आया सर? वो हफ्ते में 2-3 दिन आता है, बाकी दिन गायब रहता। आने तो उस शरीर को अभी मैं समझाता हूँ। उबैदुल्लाह, नवाजिश, सालिक, मेराज, नासिर, मैं केविन सर। कमिंग आगे। यस सर, यस सर, यस सर कर रहे हो। हफ्ते में 2-3 दिन आते हो, बाकी दिन गायब रहते हो। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ती नया करो, नहीं तो स्कूल से नाम करा के चले जाओ। ज्यादा रोने धोने से काम नहीं चलने वाला है, शांत हो जाओ। अच्छा बताओ क्या बात है? सर, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और मेरी माँ हर रोज बीमार रहती है, इसी वजह से मुझे घर का खर्चा निकालने के लिए और स्कूल की फीस देने के लिए अलग से नौकरी करनी पड़ती है। अच्छा ये बात है तो बेटा, पहले ही बोलना था ना। ठीक है, मैं अपने प्रधानाचार्य से बात करता हूँ और तुम्हारी फीस माफ करने की कोशिश करना चाहता हूँ। सभी बच्चे अपने जगह पर बचाओ, ठीक है? कल तुम लोगों को बता चुके थे कि एग्जाम है, आज से ही परीक्षा चालू है। अपना अपना जगह पर जाके बचाओ। हाँ तो बच्चों, तुम लोगों का परीक्षा का टाइम शुरू हो गया। ओ बदला खड़े हो जाओ, उसका नकल क्या कर रहे हो? अगर दूसरी बात से पकड़ेंगे ना तो स्कूल से एग्जाम हॉल से बाहर निकाल देंगे। तो बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, ओनली 5 मिनट। टाइम इज ओवर। सर सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट करते हो, क्लास में चीटिंग करते हो, अभी एक मिनट मांगते हो।
हाँ तो सभी बच्चे अपने गार्जियन के साथ 7 तारीख को आना, क्योंकि कॉपी चेक होगी और रिजल्ट दिया जाएगा। सभी बच्चे अपने गार्जियन के साथ आएगा ना? ठीक है सर। सर ठीक है, छुट्टी हो।